आज हम बना रहे हैं फिरनी। इसके लिए मैंने हाफ कप चावल लिए हैं और इनको मैं अच्छा सा भिगो दूंगी आधे घंटे के लिए। जब ये भीग जाएंगे तो मैं इनको पानी निकाल के इनको बारीक पीस लूंगी। और मैंने 1.5 लीटर लिया है दूध, तो उसको हम बॉईल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। तो देखिए जी, हमने लिया है 1.5 लीटर दूध और हमने इसका फ्लेम कर दिया है ऑन, और हम दूध को बहुत अच्छी तरह बॉईल कर लेंगे। ये बहुत ही मज़ेदार अच्छी फिरनी बनेगी। ये देखिए, दूध को बॉईल आने दें, फिर इसको हल्की आंच करके हम छोड़ देंगे। इतनी देर में हमारे चावल जो हैं वो भी बहुत अच्छी तरह भीग जाएंगे, तो हम उनका पानी निकाल के उनको हम पीस लेंगे मोटा मोटा सा। ये देखिए, हमारे दूध में बॉईल आना शुरू हो गया है, लेकिन जैसे ही हमारे दूध में बॉईल आएगा हम इसकी आंच स्लो कर देंगे और ये स्लो आंच पे बहुत अच्छी तरह पकता रहेगा। ये देखिए, ये देखें, दूध में हमारे बहुत अच्छा सा बॉईल आ गया है। अब मैंने जो चावल हाफ कप जो मैंने चावल भिगोए थे, मैंने इनको बारीक पीस लिया है ब्लेंडर में डाल के। अब मैं इसको आहिस्ता आहिस्ता इसमें डाल के पकाऊंगी। अब हम इसको इतनी देर तक पकाएंगे ताकि इसमें गुठलियाँ ना पड़ जाएं, चावल हमारे आपस में जुड़ ना जाएं। हम इसको आहिस्ता आहिस्ता इसको ऐसे पकाते रहेंगे। जब हमारा दूध थोड़ा गाढ़ा हो जाएगा और हमारे चावल जो हैं वो थोड़े फूल जाएंगे, तो फिर हम स्लो आंच करके इसको ढक्कन ढक देंगे ताकि ये अच्छी तरह पक जाए। ये देखिए, अभी तो ये कच्चे हैं, जैसे ये फूलेंगे तो ये चावल जो है हमारे, थोड़ा सा दूध हमारा गाढ़ा हो जाएगा। ये देखिए, ये देखिए, दूध में बॉईल आ गया है और हमारा दूध जो है थोड़ा थोड़ा गाढ़ा हो गया है। ये देखिए, अब हम इसको बिल्कुल स्लो आंच करके रख देंगे और फिर इसको चमचा चलाते रहेंगे ताकि हमारे चावल जो हैं वो बहुत अच्छी तरह इसमें मैच हो जाएं। ये देखिए, हमारी फिरनी जो है माशाल्लाह से काफ़ी गाढ़ी हो गई है, लेकिन अभी हम इसको थोड़ा सा और पकाएंगे ताकि थोड़ा सा और अच्छी तरह दूध में मैश हो जाए। ये देखिए, हमारी मज़ेदार सी फिरनी बन रही है, जो बहुत ही आराम से बहुत ही जल्दी बन जाती है। ये देखिए, चावल हमारे बहुत अच्छी तरह गल गए हैं और अभी हम इनको थोड़ा सा और इस तरह पकाते रहेंगे। फिर इसमें हम छोटी इलायची डालेंगे, चीनी डालेंगे। जब तक आप लोग मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। ये देखें, ये देखिए, हमारी खीर जो है फिरनी काफ़ी गाढ़ी हो चुकी है। अब हम इसमें छोटी इलायचियाँ मैंने क्रश करके 7-8 छोटी इलायचियों के बीच क्रश करके रखे हैं, ये मैं इसमें डाल दूंगी। और साथ ही मैं इसमें 1/4 प्याली चीनी या शक्कर, या आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम और ज़्यादा कर सकते हैं, ये मैं डालूंगी। अब ये डालने के बाद हमारी फिरनी जो है, चीनी जो है थोड़ा पानी छोड़ेगी या थोड़ी पतली हो जाएगी। ये देखिए, ये देखिए कितनी अच्छी गाढ़ी गाढ़ी हमारी फिरनी बन के तैयार हो गई है। ये देखिए, चीनी जो है शक्कर हमारी बहुत अच्छी तरह मेल्ट हो चुकी है और हमारी फिरनी जो है, ये देखिए, ये बहुत अच्छी तरह पक गई है। अब इसमें हम 2-3 बूंद केवड़े का एसेंस डालेंगे और ऊपर से पिस्ते और बादाम से इसकी गार्निशिंग करेंगे। तो चलें जी, हमें फ्लेम करती हूँ ऑफ और इसको निकालती हूँ।
ये देखिए हमारी मज़ेदार सी फिरनी तैयार हो गई है। इसके लिए मैं थोड़े से पिस्ते, बादाम, नट्स जो हैं जो भी आपके पास हों वो आप इसको गार्निशिंग के लिए डाल दें। तो चलें जी, मैं इसको बाउल में ट्रांसफ़र करती हूँ। आज हमने बनाई है मज़ेदार सी फिरनी, जो बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही जल्दी क्विक बनने वाली है। ये देखिए अब मैं इसको पिस्ते और बादाम से इसकी गार्निशिंग करूंगी। तो हमारी मज़ेदार सी फिरनी तैयार हो गई है। तो आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा, इसका फीडबैक दीजिएगा कि आप लोगों को कैसी लगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। मुझे और मेरी फैमिली को अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।